बैक टू चरण प्रो क्लासेस। आज मैं आप लोगों को लेसन 11 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा फिजिक्स का। इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज। मेरा टॉपिक भी यही है, मेरा लेसन का नाम भी यही है, लेसन 11 है। तो पहले आपको समझना है प्रत्यावर्ती वोल्टेज किसे कहते हैं, उसके बाद समझना है प्रत्यावर्ती धारा क्या है। ऐसे वोल्टेज जो समय के साथ बदलता रहता है, अर्थात ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है, ऐसे वोल्टेज को ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूं, एक बार इसको रिपीट करता हूं। ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है परंतु एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। ये रहा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब आपको समझ आया प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण उत्पन्न होने वाली धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसमें भी एक निश्चित समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, इसके परिमाण में इसकी दिशा में परिवर्तन होता है, इसलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है। तो आइए हम इसके बारे में आपको समझाते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा में किन किन महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टडी में करना है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से मिलते हैं। आइए हम स्टार्ट करेंगे। अब आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित समीकरण पढ़ना है। किसी क्षण टी पर, किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज वोल्टेज का शिखर या उच्चतम मान है, वोल्टेज का शिखर या अधिकतम मान है, जहां V0 वोल्टेज का उच्चतम या अधिकतम या शिखर मान है। वोल्टेज का शिखर मान है V0। ओमेगा कोणीय वेग है, कोणीय वेग, और टी समय है। हमने बोला किसी क्षण, क्षण का मतलब मोमेंट, समय अत्यंत सूक्ष्म समय, बहुत ही कम समय के लिए कोई काम हो उसे क्षण बोला जाता है, उसे स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। ये रहा V0, ओमेगा और टी, इनके नाम। अब आप समझ सकते होंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का फॉर्मूला और उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ। अब आपको पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती
समीकरण या प्रत्यावर्त की धारा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट प्रत्यावर्त की धारा का या धारा का बोल सकते हैं इसे, धारा का शिखर मान है अधिकतम या शिखर, ये रहा प्रत्यावर्त धारा का शिखर या अधिकतम मान, ओमेगा कोणीय वेग है ही और टी आपका क्षण है, समय है, मोमेंट है। ये रहा हमारा प्रत्यावर्त धारा का समीकरण, उसके पहले जो था प्रत्यावर्त वोल्टेज का समीकरण। अब इन समीकरणों से हम लोग धारा और वोल्टेज के शिखर मानों की गणना कर सकते हैं। अब हमको पढ़ना है प्रत्यावर्त धारा का आवर्त काल तथा आवृत्ति, ये रहा टाइम पीरियड और ये है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। आवर्त काल पढ़ना है पहले और उसके बाद फिर आवृत्ति पढ़ना है। तो आपको ये समझना है आवर्त काल है क्या। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगाए समय को प्रत्यावर्ती धारा का आवर्त काल कहते हैं। किसी भी कुंडली द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगाए गए समय को ही आवर्त काल कहते हैं। और हमें समझना है कि प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति क्या है। एक चक्कर पूरा करने में इतना समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। और अगर आप आवृत्ति समझना है तो एक सेकंड में जितने भी चक्कर पूरा होता है प्रत्यावर्ती धारा का उसे ही आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को ही प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कहते हैं। इसे हम लोग आवर्त काल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे और आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी के नाम पर स्मॉल एफ से। यहां पर प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है उसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे फ्रीक्वेंसी के नाम। आवर्त काल है टाइम पीरियड के नाम। अगर आज हमें संबंध आवर्त काल आवृत्ति में तो होता है t इक्वल टू वन अपॉन f, या यहां कर लो t को नीचे कर सकते हैं f इक्वल टू वन अपॉन t। इसका मतलब ये हुआ आवर्त काल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। आवर्त काल एक समय है इसका मात्र है मात्र भी होता है सेकंड होता है, समय होने के कारण ही इसका मात्र सेकंड हो गया। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति है इस समय की व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसकी जो मात्रक होगा इसके मात्रक को हम लिखेंगे हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। साइकिल प्रति सेकंड या चक्कर प्रति सेकंड या तो फिर हर्ट्ज बोलेंगे आवृत्ति की मात्रक। स्टूडेंट्स प्रत्यावर्ती धारा में जो आवर्त काल टी की वैल्यू होती है तो रहा फार्मूला, एक नॉर्मल फार्मूला मैंने आपको बताया। इस स्थान पर टी बराबर हो जाएगा 2π/ओमेगा, एक चक्कर में उत्पन्न कोणीय विस्थापन और नीचे कोणीय वेग रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त काल। टी की वैल्यू जो है 2π/ओमेगा होगी। अगर यहां हम रख दें आवर्त काल टी के सूत्र में 1/f है, ये तो रहा आपका नॉर्मल फार्मूला। अब ये आवर्त काल टी का फार्मूला है आपके प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। प्रत्यावर्ती धारा का जो आवर्त काल है टी बराबर 2π/ओमेगा होता है। पाई की वैल्यू आपको पता है ओमेगा जो कोणीय वेग है। तो अगर आपको टी का वैल्यू इतना है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/T, 1/ जहां टी वहां हो जाएगा टी की वैल्यू 2π/ओमेगा।
इसको प्लट देंगे तो ओमेगा जाएगा नीचे ऊपर को, ओमेगा अपॉन टू पाई हो जाएगी आवृत्ति। स्टूडेंट्स फिर समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का जो आवर्तकाल होता है टी बराबर टू पाई बाई ओमेगा होता है, तो आपको आवृत्ति निकालना, आवृत्ति बराबर होता है ए बटे टी, टी की वैल्यू उठा के नीचे रख दीजिए टू पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ओमेगा एकदम ओमेगा ओमेगा बटे टू पाई, यही होगा आपकी आवृत्ति। ये आपके इस लेसन 11 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो कि आवर्तकाल और आवृत्ति का फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स अब इसमें हमें कला पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा जो कला होता है, कला तो कोण को प्रदर्शित कर सकता है और कभी कभी एक कोण के साथ साथ समय को भी प्रदर्शित करता है। यहां पर जो कला है हमें कला के बारे में पढ़ना है, तो हम आपको कला के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि जो आप लोग कोई भी समीकरण पढ़े हैं, प्रत्यावर्ती धारा का पढ़े हैं, वोल्टेज का पढ़ा आपने I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा, यहाँ V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T, इसमें जो आपको ओमेगा T दिखाई पड़ रहा है यही कला फाई की वैल्यू है, उन्हें कोणीय वेग भी है और साथ में समय भी दिया हुआ है, तो फाई की वैल्यू जो हो जाएगी ओमेगा T, यही है हमारा कला फाई।